रामपुर की सीट से कांग्रेस के खिलाफ 10,000 वोट पाने वाला जनता का चुना कैंडिडेट जीत जाता है। पर जैसे ही ये खबर वायरलेस पर लखनऊ से दिल्ली पहुंचती है तो चाचा नेहरू का तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि अगर मौलाना अबुल कलाम नहीं जीते तो सीएम जी शाम तक अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा। चाचा नेहरू ने किसी चीज को चाहा तो लग गई पूरी कायनात उसे पूरा करने में। देश चाहे फाड़ में, नेहरू जी का हुक्म है। स्मृति ईरानी के खास कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। जिन लोगों ने बंदूकों की नोक पर चुनाव जीते हैं वो आज ये चीख चीख कर छाती पटक पटक कर रो रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है। नमस्ते दोस्तों, देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं और अब लाजमी है कि विपक्ष से ईवीएम हैकिंग और चुनाव आयोग ने किस तरह चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए ये वाला गाना वापस सुनाई देने लगे। पर इससे पहले ये गाना आपको सुनाई दे या फिर पसंद आए, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। याद है किस तरह पुरानी फिल्मों में चुनाव के सीन्स दिखाते थे? कुछ गुंडे बैलेट बॉक्स उठा कर ले जा रहे हैं या फिर उसमें आग लगा दी है या बंदूक की नोक पर पर्चे डाले जा रहे हैं, और ये लगभग हर फिल्म की कहानी थी। ऐसा क्यों था, क्या वजह थी इसके पीछे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं अब कांग्रेस के इस कैसेट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने जा रहा हूँ और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस ने कैसे चुनाव और वोट्स को अपनी कठपुतली बनाकर घुमाया है, इसके धागे आज खुलेंगे। नेहरू जी हमारे आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और इसके साथ साथ वो देश के पहले बूथ कैप्चरिंग मास्टरमाइंड भी थे। आरोप जितना संगीन है मेरे पास सबूत भी उतना ठोस है। चाचा नेहरू ने देश में हुए पहले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से बुरी तरह से हारे कांग्रेस प्रत्याशी मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी भी कीमत पर जबरदस्ती जिताने की आदेश दिए थे। उनके आदेश पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रामपुर के जिला अधिकारी पर घोषित हो चुके परिणाम बदलने का दबाव डाला और इस दबाव के कारण प्रशासन ने जीते हुए प्रत्याशी विष्णुचंद्र सेठ के बैलेट बॉक्स के वोट मौलाना अब्दुल कलाम की पेटी में डलवाकर दोबारा मतगणना करवाई और मौलाना अब्दुल कलाम की जीत घोषित कर दी। अब आप सोचेंगे इस बात का सोर्स क्या है, तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शंभुनाथ टंडन ने अपने आर्टिकल जब विष्णुचंद्र सेठ ने मौलाना आजाद को धूल चटाई थी भारतीय इतिहास की एक अनजान घटना में लिखा है कि भारत में नेहरू ही बूथ कैप्चरिंग के पहले मास्टरमाइंड थे। उस जमाने में भी बूथ पर कब्जा करके परिणाम बदल दिए जाते थे। देश के प्रथम आम चुनाव में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के 12 हारे हुए प्रत्याशी को जिताया गया था। देश के बंटवारे के बाद लोगों में कांग्रेस और खासकर नेहरू के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए जनता नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में चाहती ही नहीं थी। लेकिन चूंकि नेहरू के हाथ में अंतरिम सरकार की कमान थी, इसलिए नेहरू ने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जीत हासिल कर ली। देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा ने नेहरू और गांधी की तुष्टिकरण नीति को जिम्मेदार मानते हुए नेहरू के विरुद्ध फूलपुर से संत प्रभुत्व ब्रह्मचारी और मौलाना अबुल कलाम के विरुद्ध रामपुर से विष्णुचंद्र सेठ को लड़ाया। नेहरू को अंतिम राउंड में जबरदस्ती 2000 वोटों से जिताया गया। वहीं सेठ विष्णुचंद्र के पक्ष में भारी मतदान हुआ और मतगणना के पश्चात प्रशासन ने बकायदा लाउडस्पीकरों से सेठ विष्णुचंद्र को 10,000 वोटों से विजयी घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ये समाचार वायरलेस से लखनऊ और फिर दिल्ली पहुंचा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अप्रत्याशित हार के समाचार से नेहरू तिलमिला उठे और उन्होंने तमतमाकर तुरंत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को चेतावनी भरा संदेश दिया कि मैं मौलाना की हार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर मौलाना को जबरदस्ती नहीं जिताया गया तो आप अपना इस्तीफा शाम तक दे दीजिएगा। फिर पंत जी ने आनन फानन में सूचना निदेशक शंभुनाथ टंडन, जिनका यह आर्टिकल है, उन्हें बुलाया और रामपुर में जिला अधिकारी से संपर्क करके किसी भी कीमत पर मौलाना अब्दुल कलाम को जिताने का आदेश दिया। फिर जब शंभुनाथ जी ने कहा कि सर इससे दंगे भी बढ़ा सकते हैं, तो इस पर पंत जी ने कहा कि देश चाहे भाड़ में, नेहरू जी का हुकुम है। फिर रामपुर के जिलाधिकारी को वायरलेस पर मौलाना अबुल कलाम को जिताने के आदेश दे दिए गए। फिर रामपुर के सिटी कोतवाल सेठ विष्णुचंद्र के पास गए और कहा कि आपको जिलाधिकारी साहब ने बुलाया है, जबकि वो लोग बधाइयां स्वीकार कर रहे थे। जैसे ही जिलाधिकारी ने उनसे कहा कि मतगणना दोबारा होगी तो विष्णुचंद्र सेठ ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि मेरे सभी कार्यकर्ता तो जुलूस में गए हैं सर, ऐसे में आप मतगणना एजेंट के बिना दोबारा मतगणना कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। जिलाधिकारी ने साफ साफ कहा कि सेठ जी हम अपनी नौकरी बचाने के लिए आपकी बलि दे रहे हैं क्योंकि ये नेहरू का आदेश है। अब इससे पहले आप कहें कि यार ये हर बात पे आप लोग नेहरू जी को ले आते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं उनकी अगली पीढ़ी पर, इंदिरा गांधी पर।
जिनके नाती पोते आज ईवीएम हैक होने का हवाला देते हैं, तो उनकी दादी ने तो उस जमाने में बैलेट बॉक्स तक हैक करना सीख लिया था, वो भी फिल्मी स्टाइल में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट द फिफ्थ जनरल इलेक्शंस इन इंडिया 1971 to 72 ऑन मार्च 20, 1971 में बताया गया है कि 518 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 200 से 250 में केमिकली ट्रीटेड स्टैंड विद इनविजिबल इंक का इस्तेमाल किया गया है, जो बछड़े और गाय पर दिखाई देने लगे। 72 घंटों के बाद इंदिरा गांधी के कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह दिखने लगा और मतदाताओं द्वारा लगाए गए वास्तविक मोहर को गायब कर दिया गया। मधु जूही ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि बड़े संख्या में बैलेट पेपर्स का कलर बाकी बैलेट पेपर्स के रंग से अलग था। उन बैलेट पेपर्स में सिंबल्स की स्टैंपिंग एक जैसी थी, उन स्टैंप्स की डेंसिटी ब्राइट और फ्रेश दिखती थी, और ये फीचर्स काफी अलग थे उन वोट से जो चुनाव में हार गए थे। अब आगे बढ़ते हैं अगली पीढ़ी पर, उनके बेटे राजीव गांधी, जिनके सरकार में मनोहर सिंह गिल यानी एमएस गिल भारत के इलेक्शन कमिश्नर बने। चुनावी प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो नियम अनुसार सिर्फ अमेठी में मतदान टाल देना चाहिए था, लेकिन गिल जी ने कांग्रेस के नेताओं से विचार विमर्श करके पूरे भारत के ही चुनाव पूरे 25 दिनों से टाल दिए, और राजीव गांधी की कलश यात्रा पूरे भारत में निकाली गई ताकि एक सहानुभूति की लहर पैदा हो सके। और एमएस गिल की इस दलाली का इनाम कांग्रेस ने उन्हें तुरंत दिया, उन्हें राज्यसभा भेजकर अगले 10 सालों तक, जिसमें वो केंद्र के मंत्री बने रहे। दिलचस्प बात यह है कि राजीव गांधी पहले चरण में बुरी तरह से चुनाव हार रहे थे, और इस हथकंडे ने उन्हें भारी मतों से जिताया, तो क्या ये चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल नहीं है? इसके बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी नवीन चावला को 2005 में इलेक्शन कमिश्नर और 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती हैं। कौन है नवीन चावला? नवीन चावला इंदिरा गांधी के बहुत खास थे, और उनपे ऐसे संगीन आरोप हैं जैसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नवीन चावला को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बहुत कम दर पर 6 एकड़ का प्लॉट अलॉट किया गया, पर कंस्ट्रक्शन के लिए 2 कांग्रेस सांसदों ने अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से पैसे डोनेट किए। चावला जी को जसोला में भी जमीन मिली, जिसकी डोनेशन 3 कांग्रेस MP से आई थी। चावला जी की धर्मपत्नी एक ट्रस्ट चलाती हैं जिसकी फंडिंग कांग्रेस द्वारा की जाती है। इतने सारे आरोपों के बावजूद उन्हें उस पैनल का हिस्सा बनाया गया जो बीजेपी की मान्यता रद्द करने के लिए बनाई गई थी। सुनवाई के दौरान वो टॉयलेट के लिए जाते थे, और 5 मिनट बाद कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों को भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलवा लेते थे। सोचिए, कांग्रेस और सोनिया गांधी ऐसे आदमी को इलेक्शन कमिश्नर बनाती हैं, और वो देश के 2 बड़े चुनावों का आयोजन भी करता है, पर कोई भी मीडिया न्यूज चैनल इसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहता। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की रिजर्व सीट, और राहुल प्रियंका का मनी बैंक टाउन बाहुबलियों की बदौलत ही बना। स्मृति ईरानी जब इस सीट से चुनाव के लिए खड़ी हुई तो उनपे काफी हमले हुए, यहां तक कि उनके खास कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, जिसने देश के संसाधनों का इतने साल गलत इस्तेमाल किया हो तो वो हमेशा इसी चश्मे से देखेगा कि कोई भी इनका इस्तेमाल हमारी तरह ही गलत ही करेगा, सही नहीं करेगा। पर अब ये सोच, ये धारणा बदलनी पड़ेगी। धन्यवाद।